खाना खजाना बाय विवेक दहिया। वेलकम होम। अच्छा आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? अरे मम्मी टेंशन क्यों लेते हो? आपका बेटा जैकी चैन है। वेलकम टू माय कुकरी शो। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक। इट्स फ्राइडे टुडे एंड इट इज नॉट एनी अदर फ्राइडे। टुडे इज स्पेशल। टुडे इज अ डे दैट आई वुड वांट टू डेडिकेट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन माय लाइफ। My sister is not here. She lives in Australia now after getting married. But my wife and my mother are here. My mother actually got a fracture. Hence, she has not been very mobile. And unko maine bola ki main bahar actually baith ke kisi ke saath meeting kar raha hu, so she's not going to step out. And Divyanka is on the shoot. It's a perfect opportunity for me to plan anything that I want to do. First thing first, I am planning a dinner. I am making Thai green curry, which both of them really enjoy. To chawal to maine bana diye hain. Aur chawal banate banate mujhe idea aaya, are vlog kyun na bana lu saath mein. So I'm going to now run you through my recipe of green Thai curry. Let's go. बहुत अच्छी चीज़ होगी आजकल यार। थैंकफुली आजकल मिक्सेस मिलते हैं, कटे हुए वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो ऑल आई हैड टू डू इज़ जस्ट गो ऑनलाइन क्विकली ऑर्डर थाई करी मिक्स। तो ये सब मुझे मिल गया और ये मुझे काटना है, तो ये मैं अभी फटाफट से चॉप कर लेता हूँ। ब्रोकली वेलकम टू माई कुकरी शो। खाना खजाना बाय विवेक दहिया। सो वेजिटेबल्स चॉप हो गए। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द थाई मिक्स दैट आई हैड ऑर्डर्ड। ये थाई बेसिल है, थाई चिली है, थाई बैंगन है, थाई जिंजर है और ये लेमन लीफ। दिस इज ऑलिव ऑयल। नॉर्मली थाई करी जो होती है वो कोकोनट ऑयल में बनती है, बट आई प्रिफर ऑलिव ऑयल। सो जस्ट अ लिटल बिट एंड देन दिस इज अ होम मेड पेस्ट, Thai paste. It's basically everything that you see on the plate, which is your chilies, your lemongrass, your basil. So, us sab ka ye paste hai. Nothing special, but it tastes very good. So, just gonna put this. Now we will pour coconut milk. तो ये बस इसको थोड़ा सा स्टर करना है, ज़्यादा नहीं, ये हो जाएगा। देन विल जस्ट ऐड द वेजिटेबल्स और ये हमने बढ़िया बढ़िया फ्रेश वेजिटेबल्स डाल दी। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा जो ग्रीन थाई करी। ओह शिट, टोफू तो रह गया। हाँ मम्मी, क्या देख रहे हो? सारा देश वही देख रहा है। सो दिस इज अ सिल्कन टोफू दैट इज फर्म। बड़े बड़े चंक्स में मैं काटूंगा और ये हमारे बड़े बड़े चंक्स वाला टोफू समंदर में जा चुका है, हरे समंदर में। और इसी के साथ हमारी थाई ग्रीन करी तैयार हो गई है। अब What I'm going to do is just add a little bit of aroma. जो वो aroma आता है ना वो इनसे आता है ये। अच्छा सुनो ना, मुझे ना एक केक ऑर्डर करना है। चलो भाई केक ऑर्डर हो गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी डेकोरेशन भी करा लेता हूँ, तो एक जगह और फोन करना है। मैं ना बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ, कुक राइट फॉर योर टाइप। दिस इज, बाद में बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बेस्ड ऑन आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसके बेसिस पे ये आपको बताती है कि आपको क्या खाना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा था कि जो मैंने बनाया है आज दिन में वो मेरे लिए सही है क्या। वेलकम होम। अच्छा आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले ना माइक लगाओ, तुम माइक लगाओ।
ये लगाओ ये कब लाए ये आज स्पेशल डे है ना हाँ चलो हम इसकी एंड नहीं करेंगे छोड़ो आज स्पेशल डे है क्या है क्या है हमारा बर्थडे और क्या You're really confusing me. आजा आजा बेबी आजा. ओए कोई और आया. और आया कोई और आया. पहले तुम अंदर चल के देखो. Whoever it is can wait. Wow. Wow. Oh. पता चला क्या है आज? ये था. तुमको क्या लगा पूरे दिन? काम करते ही नहीं मालूम चलता ऐसा कुछ होता है. पूरे दिन कोई जिक्र नहीं हुआ. मैं देखता हूँ कौन है काम करते मालूम नहीं चलता कौन मैन कौन वुमन ऑल अलाइक इक्वालिटी का ज़माना वाओ कौन है बेबी टेल मी केक आया केक आया केक आया केक मुझे इतनी तेज भूख लग रही है मम्मी को नहीं पता है अभी मम्मी को कैसे नहीं पता आपने इतना सारा क्या होगा एग्जैक्टली रियली हम उसमें हम वो वाले लोग हैं जो दाएं हाथ जो जो करता है बाएं हाथ को पता नहीं लगने देता सो दिस इज सो अमेजिंग रुको ना यार केक को बाहर रुक जाओ मेरी बात सुनो पहले ना मम्मी को लेके आते हैं शी आल्सो डजंट नो शी हैज बीन इनसाइड द होल टाइम शी हैज नो आईडिया हाँ पहले कर लो ये सब मेरे को शर्म आती है मम्मी के सामने यार तुम कभी भी ऐसे सब करने लग शुरू कर देती हो थैंक यू ओके आ जाओ चलो लेट्स गेट मूविंग मम्मी भूख लग रही है चलो 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 बोल के पांच मिनट नहीं चलो तीन मिनट आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा ये क्या है मतलब क्या आपका बर्थडे इन्होंने बताया मुझे मैंने फुलाया है इन्होंने अपने लग से खुद फुलाया है हाँ मेरा तो आशीर्वाद इनके साथ था मुझे पता क्यों नहीं लगा वैसे मैं अंदर थी क्योंकि आप अंबानी की शादी देख रहे थे पूरे दिन अच्छा लगा आपको पहचान में नहीं आ रहा चलो ये तो खैर ये तो एक छोटा सा ओलो ओलो क्यूट ओलो हो गया ओहो हो कान खींचने की जगह आज हम गाल खींचे ओले चलो चलो खाना खाते बैठो 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 क्योंकि खाना तैयार है आज का शेफ विवेक भैया रहा है अपुन ने थाई बनाए लाए नहीं नो रियली या या वेट आर यू सीरियस हाँ मीनाक्षी गरम करना हाँ ओहो फैन हाँ चलो फैन चलाते फैन एसी चलेगा मम्मी ओ यार फैन तो पता नहीं चलेगा अभी टेस्ट करते नहीं, नहीं चलेगा फैन नहीं चल सकता मम्मी सॉरी एसी चलाना पड़ेगा रुको इसको मैं दोबारा से रीएडजस्ट करके देखता हूँ ये कहीं और शिफ्ट हो सकता है क्या अरे मम्मी टेंशन क्यों लेते हो आपका बेटा जैकी चैन है अभी फैन चल जाएगा सच्ची में खाना बनाया आपने हाँ बेबी हद होगी बी दिस इज सो गुड अभी ट्राई तो करो पहले तुमने ऐसे खाली डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर पता चले सबसे दुनिया का सबसे खराब था करी तो शक्ल से अच्छा लग रहा है और वैसे खराब होगा हाँ हाँ तुम जाओ जाओ हैप्पी विमेंस डे हैप्पी वुमेंस डे हैप्पी विमेंस डे हाय सीमा हैप्पी विमेंस डे हैप्पी विमेंस डे भैया तो भैया की भी तो लाइफ में चार विमेन है उनका भी विमेंस डे है नहीं तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट दिन है यार ऐसा कुछ मुझे भूख लग रही है हाँ बैठो इधर बैठ जाओ
जल्दी बैठो। आज मैंने किसी भी वुमन की कोई हेल्प नहीं ली। सीमा मैंने तेरी कोई हेल्प ली थी कुकिंग में? जो सिखाया है वही बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, का पूरा भरोसा है चिंटू पे। हमारे चिंटू पे पूरा भरोसा है हमको। इसको थोड़ा तेज कर दे। ऐसा नहीं है कि इनका घर का नाम चिंटू है, इनका कुछ और घर का नाम है। वो मैं बाद में कभी बताऊंगी आप लोग को जब मुझे इन्हें ब्लैकमेल करना होगा। ओ क्या हुआ? आई थिंक हो गया है। सूप लोगे तुम? लोगी सूप? नहीं थैंक गॉड है भी नहीं। मुझे लगा सूप भी है। मौत को छूके टक से वापस आ जाता हूँ। मुझे सैलेड चाहिए। सैलेड खाओगी तुम? हाँ। मम्मी आप सैलेड खाओगे? सैलेड ना मैंने सैलेड मैंने उसके अंदर डाल दी। है लेकिन उसके अंदर है तो तुम निकाल के अलग से खा लेना। धोके धोके ये लो गर्मा गर्म। वेब टोफू एंड ऑल हाईली इम्प्रेस्ड। हाँ टोफू मैं भूल गया था डालना बाद में, लास्ट में मैं याद आया एकदम के ओहो उस पे रखना जरा। पर मैं तो राइस खाती नहीं। नहीं तुम्हारे लिए कॉलीफ्लावर राइस है। कॉलीफ्लावर राइस कॉलीफ्लावर राइस। आज हमारा दिन नहीं है, इन लोग का दिन है। इन लोग का दिन इन लोग का इन लोग का है इन लोग का। बेबी आपने खाया जो आपने बनाया? नहीं मैंने टेस्ट नहीं किया। क्या अच्छा आपने है? खाया ही नहीं जो आपने बनाया। मैंने एक्चुअली टेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। खा के देखो। ठीक ठाक बन गया यार। ठीक ठाक? मम्मी आपने खाया? नहीं। खा के देखो। ठीक ठाक है। मम्मी को ज्यादा थोड़ा कम विश्वास है मुझ पर। मुझे भी कम था। लास्ट टाइम तो इन्होंने वो पास्ता खिचड़ी बनाई थी। कमाल कर दिया भाई आज तो। तुम्हारा कुछ तो फर्क होना भी चाहिए। और कुछ रह गया क्या? आप आओ ना। कुछ था नहीं क्या? सैलेड खाना है थोड़ा, धोके लाऊं? तुम देखो तुमको खाना है तो। नहीं मेरे को तो सैलेड के ऊपर जो आपने सॉस डाला अच्छा लग रहा है। ये लो ये पत्ता खा लो तुम। बोले सैलेड चाहिए था तुमको? ये सैलेड। ये खाते भी नहीं है ये वाला पत्ता तो। अरोमा के लिए होता है, मुझे मत बताओ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यूके गया था अंडरग्रेड करने के लिए 18 साल का था, तो मम्मी वाज वेरी वरिड के खाने का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। तो मम्मी ने सूटकेस में मेरे, तुमको शायद पता है, मुझे हल्का हल्का याद है आपने बहुत पहले बताया था, प्रेशर कुकर पैक कर दिया था और वो बड़ा वाला, ठीक है। और उसके साथ साथ प्लेट्स और क्या क्या डाला था, दालें डाली थी, देसी घी के डब्बे डाले थे, देसी घी के डब्बे डाले थे। तो क्या वहाँ पे प्लेट्स नहीं मिलती? नहीं मैं जंगल में जा रहा था। तो मम्मी को ये था कि जाते ही थोड़ी तो शॉपिंग करने जाएगा। अंग्रेज थे जिनके साथ मैं हाउस शेयर करता था, तो उनको भी मैंने बताया यू नो व्हाट आई एम गोना कुक समथिंग टुडे, सो समथिंग इंडियन। सो दे गॉट वेरी एक्साइटेड। दाल, दे यूज्ड टू कॉल इट दाल। तो मैंने दाल बनानी शुरू की, पहली लगी सीटी, ठीक है। तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब बैठे थे मेरे बेचारे, दो तीन लड़कियाँ थी, चार पाँच लड़के थे। अब दे आर नॉट यूज टू दैट कल्चर ना, उनको थोड़ी पता सीटी क्या होती है। वो उठे और भागे बेचारे, डर के ऐसे भागे। तो मुझे एक सेकंड लगा समझने के लिए क्यों भागे, क्या हुआ ऐसा। कुकर नहीं देखा था पहले? नहीं वहां पे थोड़ी होता है। अच्छा तो वो भागे और मैं फिर उनको, मेरे को समझ आया ओ अच्छा ये उस चीज के लिए भागे। तो देन आई वेंट आफ्टर देम और उनको रूम से बाहर लेके आया, दैट डोंट वरी दे सेड is going to blast that thing जो तुम्हारा यंत्र है वो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर लेके आया उनको बाहर, उनको थोड़ा सा आश्वासन दिया, बिठाया कि कुछ नहीं होगा। फिर तीन या चार सीटी लगी, इतने में स्मोक अलार्म चल पड़ा, तो बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी पड़ी।
और सब लोग जमा हो गए और पता है कितने हमारा जो ब्लॉक था उस ब्लॉक में कम से कम तो 80 स्टूडेंट्स थे. सो 80 स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ा बिल्डिंग के ब्लॉक के बाहर वहां पे खड़े थे सब सब लोग. हाँ कुकर के कारण. हाँ कुकर के कारण क्योंकि और कोई लोग बाथरूम में थे कुछ लोग अपने शॉर्ट्स में थे कोई कैसे था जैसे भी था सब लोग बाहर आ गए बिकॉज इट्स अ रूल यू हैव टू वेकेट. तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई कुक. उसके बाद फिर मैंने बहुत टाइम तक कुकिंग की नहीं. मैं डर गए हो गया मैं थोड़ा सा ऐसा घबरा गया मेरा ऐसा एक्सपीरियंस. बट देन उसके बाद हाँ एक दो साल के बाद देन तो यूके में थे तो इतने साल तो खुद से ही कुकिंग की थी. तुमको ये वाला नहीं पता ना. अच्छा बताओ चलो गेस करो कौन सा वाला है ये. ये पता ही नहीं है कौन सा है. अच्छा चलो खोलो. ये है ना ऑरेंज होगा ऑरेंज. बेचारे को कुछ नहीं पता इतनी बोली है ये. चलो आ जाओ. ऑरेंज ओहो ये तो स्ट्रॉबेरी निकला. आ जाओ ये तो तुम्हारा फेवरेट हो गया. मेरा फेवरेट है. ये भी लगाया देखो. आए Happy Women's Day to us. Happy Women's Day to us. Chalo. चलो ये तो बहाना हो गया कि वुमेंस डे है आज तो सेलिब्रेट करते हैं. किसी ने डिसाइड किया वन डे दैट किसी ने नहीं एक्चुअली बहुत सारी वुमेन ने डिसाइड किया था 1909 में मैंने आज ही पढ़ा. वी शुड एम्पावर एंड सेलिब्रेट आर वुमेन एवरी सिंगल डे एवरी मोमेंट बिकॉज इफ दे आर नॉट हेयर देन वी नॉट हेयर. आई मीन वी ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. But I really believe in that because whether you are working, whether you are a student, whether you are growing up, whatever it is, we need them at every juncture of our lives. मुझे ऐसा लगता है Women's Day हो या कोई भी डे हो लोग कहेंगे अरे एक दिन क्यों मनाया जाए या रोज मनाना चाहिए. मैं कहती हूँ भाई बहाना चाहिए खुश होने का और ये इट्स अ वेरी गुड रीजन. मतलब आजकल कितने सारे डेज मन रहे हैं हम वुमेंस डे देख रहे हैं जैसे वैसे ही फादर्स डे है मदर्स डे है डॉटर्स डे है आप पूछो और वो डे है. बट इट्स गुड लाइक इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग पीपल अराउंड यू. एट टाइम्स हम अपने दिनचर्या में इतने खो जाते हैं हम इतने अपने स्टैग्नेंट लाइफ में चले जाते हैं कि हम सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं अपनी खुद की अपने अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी को. सो अच्छा है इट्स अ गुड रिमाइंडर. इट्स अ गुड रिमाइंडर वी आर टुगेदर. और मैं आज कैसे शूट करके आई एंड आई नेवर थॉट कि ऐसा वाला सरप्राइज होगा. ये अच्छा था. ऐसी खुशियां अच्छी हैं होते रहना चाहिए. और हाँ वुमेंस डे रोज आए तो फिर रोज मुझे विवेक के हाथ का खाना मिलेगा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग इट. So actually good thing with vlogging is because it's documented because maine ye video liya tha to aapko behind the scenes dikh jayenge usme to fir mujhe matlab ki janne ke liye ki kya kya hua mujhe ye video dekhna padega. Ha tumko vlog dekhna padega. Like share and subscribe karna padega. Tumne kiya hai ki nahi abhi tak. Of course mummy aapne kiya hai to kab se subscribe hu. Aapne kiya hai na subscribe. Aap apni saheliyon ko bol rahe ho na subscribe karne ke liye. तो क्या आपकी सहेलियों ने सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो विमेंस डे के व्लॉग से अच्छा अवसर और कोई हो नहीं सकता. तो जाइए अपनी सहेलियों अपनी चाचियों अपनी मासियों अपनी मम्मियों सबको बताइए कि विमेंस डे का व्लॉग देखें और देखते रहे. सिर्फ अपनी सहेलियों मौसियों काकियों से नहीं कीजिए शेयर अपने हस्बैंड से बॉयफ्रेंड से ब्रदर्स से भी शेयर कीजिए तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या करना चाहिए विमेंस डे पे. यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट विमेन अराउंड यू एंड विमेन. बहुत सारे बंदे ना मेरे को गालियां देंगे पता है.
जब बंदे थोड़ी मेहनत करें तो बहुत तारीफ करो। ये तो बहुत शर्मा रहे हैं जब से बोली जा रही, नहीं तारीफ मत करो, मत करो, मत बोलो, मत बोलो, ये शर्माए जा रहे हैं। क्यों नहीं सेलिब्रेट योर मेन, आई वुड से। कितना शर्मीला लड़का है।